अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको मल्टाफर टैबलेट्स के बारे में रिव्यू दूंगी कि ये मेडिसन बेसिकली कौन सी कंडीशंस में बेस्ट होती हैं, क्या इसके यूजेस हैं, क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। ये सब जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखें। लेकिन उससे पहले तमाम देखने वाले जो हमारे चैनल पे न्यू हैं, सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन पे क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच। बात करते हैं मल्टाफर फॉल टैबलेट के बारे में। ये मेडिसिन क्या है? ये बेसिकली अनेमिया के लिए डिज़ाइन की गई है और इसके अंदर पाए जाने वाले जो इसके कंपोनेंट्स हैं उसमें आयरन हाइड्रोक्साइड है, पॉलीमाल्टोज कॉम्प्लेक्स है और फॉलिक एसिड है, जो कि ओवरऑल एनीमिया रिलेटेड डेफिशिएंसीज के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और इसकी प्राइस जो है वो 500 के आसपास होती है। सियाल की प्रोडक्शन है ये और बहुत अच्छे रिजल्ट्स होते हैं। ये था इसका इंट्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं इस मेडिकेशन के बारे में और इसके यूजेस के बारे में, कैसी कौन सी कंडीशन में ये वर्क करती है। दिस मेडिकेशन इज़ हेल्पफुल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ आयरन डेफिशिएंसीज इन एडोलेसेंट्स एंड एडल्ट्स वेयर द यूज़ ऑफ फेरासाइन सप्लीमेंट इज़ नेसेसरी। इट कंटेन्स आयरन इन द फॉर्म ऑफ आयरन पॉलीमाल्टोज कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड्स। इट कंटेन्स फॉलिक एसिड एज एन एक्टिव इन्ग्रीडियंट। फॉलिक एसिड इसका एक्टिव इन्ग्रीडियंट है और इसमें पॉलीमाल्टोज भी काफ़ी हद तक पाया जाता है, जो कि ओवरऑल अनेमिया की डेफिशिएंसीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है। अब कौन सी कंडीशंस में ये बेस्ट होता है? ये मेगाब्लास्टिक अनेमिया में बहुत करामत साबित होता है। यानी अनेमिया एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें कि आपकी वीकनेस बहुत ज़्यादा होती है। और वो वीकनेस क्यों होती है? क्योंकि फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो रही होती है बॉडी में। जब फॉलिक एसिड की या फौलाद की डेफिशिएंसी होती है तो रेड ब्लड सेल्स बनना रुक जाते हैं या बहुत कम हो जाती है उनकी तादाद, जिसकी वजह से बॉडी में स्वेलिंग शुरू हो जाती है। यानी कि आपके जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो साइज़ में भी बढ़ जाते हैं, बॉडी में स्वेलिंग शुरू हो जाती है, आपका कलर जो है वो ख़राब हो जाता है और आप में इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि आप कोई काम कर सकें या आप जो है वो बीमारियों के ख़िलाफ़ आपकी कुव्वत मुदाफ़त जो है वो अच्छी हो। इस किस्म की डेफिशिएंसीज़ को पूरा करने के लिए मेडिसिन रेकमेंड की जाती है। और इवन प्रेगनेंसी में ऐसी ख़वातीन जो बिल्कुल अपनी हिम्मत हार चुकी होती हैं या जिनमें ओवरऑल ब्लड की भी डेफिशिएंसी होती है, एचबी लेवल कम होता है और उनकी हड्डियों में पेन होता है, जिस्म में पेन होता है, उस कंडीशन में भी ये मेडिसिन बहुत बेस्ट होती है। उसके अलावा आयरन रिलेटेड डेफिशिएंसीज जो होती हैं या वाइट ब्लड सेल्स रिलेटेड जो डेफिशिएंसीज होती हैं उनमें भी ये बेस्ट होती है। ये मेडिसिन ज़्यादा से ज़्यादा रेड ब्लड सेल्स बनाती है और डिलीवर करती है ऑक्सीजन को बॉडी में, ताकि बॉडी की एक्टिविटी जो है वो एक्टिव रहे और जो प्रेगनेंसी की सिचुएशंस होती हैं उसमें भी बॉडी को एनर्जी दे के उसको एक्टिव रखती है। इस मेडिसिन के बहुत से फ़ायदे हैं हड्डियों के लिए, स्किन के लिए, बालों के लिए, उसके अलावा दांतों के लिए और इवन जो ब्रेस्ट फीडिंग पे मदर्स हैं उनको भी अगर बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाती है आयरन की तो उसके लिए भी बहुत कर आमद है। उसके अलावा ये छोटे बच्चों में भी सिरप के तौर पर इस्तेमाल होती है ये मेडिसिन। जिन बच्चों में अनेमिया है या अनेमिया से रिलेटेड बीमारियां हैं या उनमें रड खुलिए नहीं बन रहे या उनकी मकदार बहुत स्लो है या ऑक्सीजन बॉडी को कंप्लीट वे में नहीं ट्रांसफ़र होती, तो उस कंडीशन में ये सिरप में भी अवेलेबल होती है बच्चों के लिए और बड़ों के लिए ये इन द फॉर्म ऑफ टेबलेट यूज़ की जाती है। इसको लेने का तरीकाकार यह है कि डेली आपने 2 टाइम इस मेडिसिन को लेना है आफ्टर मील, यानी अपने खाने के बाद। अगर आप देखते हैं कि बीमारी की नोयत नॉर्मल है तो आप डेली 1 टाइम भी ले सकते हैं, अगर नोयत ज़्यादा है तो आप इसको 2 टाइम्स ले सकते हैं। ये थे इसके यूजेस। अब हम बात करते हैं साइड इफ़ेक्ट्स की, कि अगर ये खाते हैं आप तो क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। कॉन्स्टिपेशन हो सकती है यानी कब्ज़, डायरिया, हैज़ा, अपसेट हो सकता है आपका मैदा यानी आपके मैदे में दर्द हो सकता है। उसके अलावा रैशेस हो सकते हैं आपको स्किन पे, इचिंग और स्वेलिंग की कंडीशन हो सकती है, डिजर्व डिजीनेस हो सकती है आपको, गनूदगी हो सकती है, ट्रबल ब्रीदिंग हो सकती है, उसके अलावा हार्ट बीट भी किसी हद तक आपकी तेज़ हो सकती है। ये था ओवरऑल इस मेडिसिन का रिव्यू। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।